Welcome back to Business Morning, the special segment Economy Today, and Ajay will be explaining the topic. शुक्रिया. और इकॉनमी टुडे यानी आपकी जिंदगी से जुड़े हर आर्थिक मुद्दों की पड़ताल करता हमारा ये नया कार्यक्रम सीधे आपसे जुड़ते हुए. आज का मुद्दा है डिजिटल लॉकर स्कीम. अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं बहुत ही आसान है. ट्विटर के जरिए सवाल करना चाहते हैं हैशटैग इकॉनमी टुडे का इस्तेमाल कीजिए. और इस प्रोग्राम में आज आपका सवाल डिजिटल लॉकर स्कीम से जुड़ा होना चाहिए. याद रखिए कि आज हम जो सवाल लेंगे ये सिर्फ इसी योजना से जुड़ा होना चाहिए. इकॉनमी टुडे डॉट डी डी न्यूज़ एट द रेट जी मेल डॉट कॉम हमारा जीमेल का पता है. अगर आप इस जीमेल के जरिए सवाल करना चाहते हैं तो आप में सवाल कर सकते हैं. और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक्सपर्ट इस सेक्टर की उमा चौहान जी, जो कि डायरेक्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी में. बहुत बहुत शुक्रिया मैम इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना वक्त देने के लिए. तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम की जिसे हम कह रहे हैं इकॉनमी टुडे. डिग्री सर्टिफिकेट्स, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स आप कैसे स्टोर करते हैं? अभी तक आप जाहिर तौर पर इसे फिजिकल फॉर्मेट में रखते होंगे. इन दस्तावेजों और कागजी नकल को बतौर पहचान और पते के तौर पर साझा भी करते होंगे. फिर इन्हें सत्यापित या फिर प्रमाणित कराने की जरूरत भी बार बार होती है. इन्हें फिजिकल रूप से रखना न केवल आपके लिए बल्कि तमाम एजेंसियों के लिए भी मुश्किल भरा काम होता है. इन सभी को ख्याल में रखते हुए संचार और जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसने डिजिटल लॉकर स्कीम लॉन्च की है. एक नया प्लेटफॉर्म बनाया है जो सभी मुश्किलों को एक झटके में ही खत्म कर देगा. ड्राइविंग लाइसेंस हो या बर्थ सर्टिफिकेट, आपका पासपोर्ट हो या एजुकेशनल दस्तावेज, पैन कार्ड हो या जाति प्रमाण पत्र, इनकी जरूरत आपको बार बार पड़ती है. अब ऐसे में इन्हें साथ लेकर चलना एक जोखिम उठाने जैसा ही है. विपरीत स्थिति में इनका गुम हो जाना या चोरी हो जाना किसी को भी मुश्किल में डाल सकता है. लेकिन कहा जाता है जहां मुश्किलें होती हैं वहीं रास्ता भी निकाला जाता है. ऐसा ही एक नया रास्ता आपके साथ है, वो है डिजिटल लॉकर. केंद्र सरकार के ही डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का एक अहम हिस्सा अब लोगों की राह आसान करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. बस आपका आधार नंबर दस्तावेजों के लिए एक ऐसी अलमारी तैयार करेगा जो सिर्फ एक क्लिक पर आपके सामने होगी. ये लॉकर कहीं भी कभी भी आपके लिए तत्पर होगी. देश का कोई भी नागरिक digitallocker.gov.in पर अपने आधार नंबर के जरिए ऑनलाइन अकाउंट खोल सकता है. लॉगिन करने के बाद अपने सभी निजी दस्तावेजों को अपलोड कर सुरक्षित रख सकता है. अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड के जरिए इसे आप कहीं भी खोल सकते हैं. इस लॉकर में 10 MB तक का स्पेस निशुल्क उपलब्ध होगा. इस लॉकर के जरिए जहां आपके प्रमाण पत्रों को बार बार सत्यापित करने की जरूरत नहीं होगी वहीं दूसरी ओर फर्जी दस्तावेजों पर भी लगाम कसेगी. अभी डिजिटल लॉकर की सुविधा वेब पोर्टल पर उपलब्ध है. ये लॉकर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराएगी और ये पूरी तरह से सभी दस्तावेजों को सुरक्षित और गोपनीय भी रखेगी. लॉकर के इस्तेमाल से सिर्फ एक लिंक के जरिए जरूरत पड़ने पर आपके दस्तावेजों को विभाग और एजेंसियों द्वारा साझा किया जा सकता है. ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज. In fact, many departments and ministries are coming under this digital locker scheme as well. The latest is to come as the Road Transport Ministry, where then driving licenses and vehicle registration certificates are actually can be kept under digital locker. So that means what we, when we go and forget the driving licenses or vehicle registration certificates when traffic cops question, we might be challenged as well. But that could not be the situation now because you can show the soft copy in the digital locker. Let's have a look at those details now. Another addition to digital lockers, which means more options for people to save more documents in the government's innovative digital locker under the ambit of Digital India Mission. Now you can save driving licenses and vehicle registration forms on digital lockers. Government has integrated digital locker with driving license and vehicle registration system. अगर कहीं भी किसी को अगर रोका गया, तो तुरंत मोबाइल फोन निकाल कर वो दोनों चीजें दिखा सकेंगे. Road Transport Ministry has over 19 crore vehicle registrations and over 10 crore driving licenses on their database. Road Transport Ministry becomes 17th issuer of documents to digital lockers.
These lockers will enable to safe keep the documents of the people, such as those related to address, identity, education and property, in a paperless format in the repository's free storage space. Integration of vehicular registration certificates and also driving licenses to the digital locker is an important step under Digital India. That means there is no need for you to show the hard copies to the traffic cops now on the roads. With cameraperson Anil Kumar, this is Venkat Raman reporting for DD News, New Delhi. चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और आप सवाल अपने भेजना भी शुरू कर सकते हैं, हैशटैग इकॉनमी का इस्तेमाल कीजिए, इकॉनमी टुडे अगर आप ट्विटर के जरिए हमसे जुड़ना चाहते हैं। मैम, अगर इस स्कीम के बारे में आपसे समझना चाहें, बहुत सारे लोग जानते नहीं इसके बारे में, सबसे पहले बताएं कि ऐसा ज़रूरी क्यों है और क्यों आपने सोचा इस तरह की योजना को लागू करना और कैसे ये हमें मदद करेगा? अभी अगर मान लीजिए हमें कोई भी गवर्नमेंट सर्विस या जॉब या कुछ भी चीज़ के लिए अप्लाई करना होता है तो हमें हमेशा क्या है, फिज़िकल डॉक्यूमेंट्स की कॉपी सत्यापित करके देनी होती है। उसके लिए स्टूडेंट्स को या आम आदमी को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक तो गेजेटेड ऑफिसर से साइन कराएं, फिर फिज़िकल कॉपीज़, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अलग 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 कॉपीज़ मांगते हैं। तो अभी ये इसका ये सोल्यूशन निकाला गया कि अगर हम ऑनलाइन ये सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करा दें तो गवर्नमेंट एजेंसीज आपस में शेयर करके आम आदमी को सुविधाएं प्रदान कर पाएंगी। तो इससे क्या समय की बचत होगी, ऑथेंटिकेशन प्रॉपर होगा और आम आदमी जो है वो खुद अपनी इच्छा से शेयर कर पाएगा डॉक्यूमेंट्स किसी भी किसी के भी साथ। तो सर्विस लेने में बहुत सुविधा होगी, समय की बचत होगी और एक फुल प्रूफ सिस्टम होगा जिससे आम आदमी की बहुत सारी दिक्कतें का समाधान इसी से हो जाएगा। तो आपने केवल एक उदाहरण दिया कि जो जो शैक्षणिक योग्यता के लिए जो हमारे सर्टिफिकेट्स हैं उनको आप करें। हाँ जी। कौन कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जो आप इसमें रख सकते हैं और क्या ये सुविधा सभी के लिए लागू है? हाँ, ये सुविधा सभी के लिए लागू की जाएगी और जैसे जैसे समय के साथ हम कोशिश करेंगे कि सभी दस्तावेज डिजिटल लॉकर के थ्रू शेयर करे जा सके। अभी हमने जो सोचा है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, इवन LPG के लिए अगर आप गैस कंज्यूमर कार्ड है, देन आपका PDS राशन कार्ड का जो भी है एंड ऑल अदर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो भी आम आदमी को ज़रूरत पड़ती है। इसमें दो सेक्शन है एक्चुअली, एक तो ये है कि जिसमें आप खुद अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को, दूसरा सेक्शन है जिसमें सरकार आपको दस्तावेज इशू करेगी ऑटोमेटिकली। अच्छा। और उसका लिंक आपको जो है आपके लॉकर में आ जाएगा और जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे वो डॉक्यूमेंट जो है एजेंसीज डायरेक्टली रिपोजिटरी से देख पाएंगी, सोर्स से, जो कि एक ऑथेंटिकेटेड सोर्स होगा डेफिनेटली, बिकॉज ये रिपोजिटरी से डायरेक्ट शेयर हो रहा है तो आपको उसके लिए बार बार वेरीफाई करके देने की ज़रूरत नहीं है। सो ये दो तरह का सिस्टम है, इसमें एक पर्सनल अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स और एक जो गवर्नमेंट एजेंसीज इशू करेंगे। तो इससे बहुत ज़्यादा लोगों को आसानी होने वाली है, ये एक तरह से गेम चेंजर है अगर आप देखें तो। Mom, if we upload our personal documents, say for example from 10th standard to the graduation, post-graduation, and if we have to submit those documents somewhere, what is the process? Should we have to give a link of our digital locker if some authority who wants to check the online documents? How does it completely work? Can scanned documents be uploaded? Yeah, as I already said that there are two sections. First is the personal uploaded documents. So personal document you can just scan and upload. Okay. So size of each document, like it has to be around 10 MB, and then total space is 1 GB per user what we are giving. So you can, and there is an e-sign facility also. Okay. So you just e-sign the document and you can share it with anybody. It's like a self-attested copy. Okay, okay. So or otherwise you want to share with some of maybe one of your friends, your bank statement or your something, you know, which is required for some personal use. So it is in your control. You can share the document as per your will with anybody through email. Right. And then the second section, which is the government issued documents. They will directly... In that section, the documents will get pushed by the issuer agencies. Now these issuer agencies can be all the government departments, educational universities, government as well as private. Right. But there is a system to onboard as requester, issuers, and then once you are registered on the locker system, then you can, the government agencies can push the documents, and in the personal section the citizens can upload the document as per their will. Right. And we are also getting in more questions, ma'am, on Twitter and Gmail. Let's have a look at that first question, which is on the Twitter at this moment. Let's have a look at that question. And the question is legal status of scanned documents like ID and DL uploaded on digital locker admissible in evidence or at the point of use? This question is by Sandeep Bhalash. Yeah.
जी एज आई सेड इफ द डॉक्यूमेंट इज पर्सनली अपलोडेड देन यू कैन ई साइन एंड शेयर इट विद एनीबडी सो दिस ई साइन इज नॉन रेप्यूडिएबल बेसिकली एंड वेयर एवर सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आर एक्सेप्टेबल देयर इट कैन बी accepted but in other case only the government issued documents the link will be there in the locker you can share the link with the agencies or while applying online on through some application you can give your link there and when the agency the user requester agency clicks on that link they can view the certificate from the source repository itself so which is a legally verified document as per the IT act right yeah. ma'am shayad wo ye bhi janna cha raha tha ki jo dl hai agar aapne usko digital locker system pe upload kar diya hai us platform pe to kya aap uska istemal kar sakte hain apna chalan ke waqt aap dikhane ke liye aur kya wo sahi mana jayega kya uski legal entity intact hai wo uska bhi yahi hai agar aap personal section se dikha rahe hain ji तो उसकी लीगल सैंक्टिटी उतनी नहीं है जितनी कि अगर आप इफ़ यू हैव एन इंटरनेट कनेक्शन और आप डायरेक्ट रिपोजिटरी से दिखा रहे हैं या फिर एक आप डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट है जो इशूअर से इशू हो रहा है उसका एक कॉपी आप सेव कर सकते हैं सो सिंस इट इज़ डिजिटली साइन बाय द अथॉरिटीज़ इट कैन बी ट्रीटेड एट पार एज एन लीगली एंड इनफैक्ट दिस ड्राइविंग लाइसेंस थिंग वॉज डन एक्चुअली आई माइसेल्फ आई वॉज देयर कवरिंग दैट अपेरेंटली दे सेड दैट देयर इज अ मोबाइल एप्लीकेशन वी जस्ट हैव वी कैन जस्ट डाउनलोड द सॉफ्ट कॉपी व्हेन द ट्रैफिक कॉप स्टॉप एंड देन वी कैन शो दैट soft copy so, as well. So that is a digitally signed copy yes, okay. actually because that authorities is digitally are signed. Issuing it. Right, right. We have another question as well, ma'am. We'll have a look at that question too. And that the question is on Gmail. When will Digital India Ministry will launch Apple iOS app of DigiLocker? Most of Aadhaar cards are issued without mobile. Yeah. Gurpant Gill. Yeah, I was expecting this question. See, we have already launched the Android app. Hmm. But iOS app is under development and we are also working on a hybrid app, you know, which will be able to cater to all type of platforms, right. mobile platforms. Right. चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि आप बहुत जो दर्शक हैं क्या जानना चाहते हैं हालांकि ये स्कीम थोड़ी नई है और लोगों को पता नहीं है लेकिन हमारा मकसद यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जान पाएँ और इसका फ़ायदा उठा पाएँ इन अ सिनेरियो वेयर साइबर सिक्योरिटी इज अ मेजर थ्रेट व्हाट आर द गवर्नमेंट मेजर्स फॉर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल एंड कीप डॉक्यूमेंट्स सेफ ये शायद एक बड़ा सवाल है और सुरक्षा को लेकर के तमाम लोग ये सवाल हमेशा से करते रहे हैं जहाँ तक डिजिटल लॉकर की सिक्योरिटी का सवाल है हमने सब तरह की प्रिकॉशंस लिया सबसे पहले तो जो हम एनक्रिप्शन की यूज़ कर रहे हैं इट इज़ 256 बिट और ये एक स्टैंडर्ड वो है इसमें काफ़ी वो है कि इतनी जल्दी यू कैन नॉट क्रैक बिकॉज यू नीड 2 to the power 256 combinations to crack that and then our digital locker platform is hosted in our government cloud okay. that is the NIC national data center which is ISO 27001 certified yes. and then the access if you see for the locker ka jo access hai wo hum OTP ke dwara usko authenticate kar rahe hain jaise hi user login karta hai aadhar number ke through ya mobile number se bhi login humne allow kiya hua hai to usme aapko OTP aata hai aapke mobile pe तो आप OTP जब तक एंटर नहीं करेंगे तो आपको जो है आगे आपको आपका नहीं करने दिया जाएगा कोई भी कार्य है तो उससे एक एक्सेस सिक्योरिटी हो गई okay. दूसरा क्या है कि हमारी जो एप्लीकेशन है DigiLocker एप्लीकेशन जो गवर्नमेंट ने डेवलप करी है वो सिक्योरिटी सर्टिफाइड है सिक्योरिटी सर्टिफाइड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट एजेंसी और यही है और साथ में हमने जो है डाटा रिडंडेंसी भी रखी है ताकि इन केस डाटा हमारा किसी तरह से करप्ट हो जाता है तो देयर इज अ रिडंडेंट डाटा बैकअप और बिना हमारी इजाजत के या हमारी परमिशन के कोई मेरे डॉक्यूमेंट को नहीं देख सकता ये भी एक सुरक्षा का पहलू है तो इसका बिल्कुल बिकॉज आप लॉग इन ही नहीं कर पाएंगे ना आपके मोबाइल नंबर पे हर बार OTP आएगा जब भी आप लॉग इन करेंगे आपके मोबाइल पे OTP आएगा जब तक आप वो एंटर नहीं करेंगे आप आगे नहीं कुछ भी नहीं देख पाएंगे And ma'am, what about these fake applications? In fact, if we have look, we look at this Google Play Store, there are so many applications with, in fact, Prime Minister Narendra Modi's photograph, Indian emblem as well. And there's some story, some report also says that some fake digital locker apps have been downloaded some 10,000 to 50,000 times. So, any steps by the government to tackle those fake applications? फेक एप्लीकेशन जैसे मैंने आपको बताया एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द डॉक्यूमेंट विल बी वेरीफाइड फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स ऑफ ट्रूथ सो दैट नोबडी कैन यू नो यू हैव टू गो टू द ओरिजिनल रिपोजिटरी फॉर दैट सो आई एम नॉट रेफरिंग टू अ स्टोर डॉक्यूमेंट
आई एम रेफरिंग टू द ओरिजिनल सोर्स ऑफ ट्रूथ द रिपोजिटरी विच आर इन द ओनरशिप ऑफ द इश्यूअर डिपार्टमेंट्स. सो उसमें कोई सवाल ही नहीं उठता. देयर इज नो क्वेश्चन के कोई उसको जो है फेक आपको दे पाएगा. अपलोडेड में कर सकता है कोई किसी की जो है चेंज करके डाटा को स्कैन करके डाल दे, बट फॉर द इशूड डॉक्यूमेंट्स विच आर कमिंग फ्रॉम द ओरिजिनल रिपोजिटरीज देर इज नो क्वेश्चन ऑफ फेक डॉक्यूमेंट्स. चलिए, आने वाले दिनों में जो 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 लोग नए पैन आवेदन कर रहे हैं या फिर जो डीमैट अकाउंट के लिए या बैंक अकाउंट के लिए आवेदन कर रहे हैं, वो शायद उनके लिए और भी ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि उनको चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके और ऑनलाइन ही मिल जाया करेंगे. छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद तमाम दर्शकों के सवाल इस कार्यक्रम में इसी योजना पर हमारे पास आ रहे हैं, उनको लेंगे. कहीं मत जाइए, देखते रहिए इकॉनमी टुडे और ये बिजनेस मॉर्निंग, हमारा ये खास कार्यक्रम. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Sensex is sensational. He's the darling of everyone. I am Vallabh Bhansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world ranks. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world ranks. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world ranks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Welcome back to Business Morning Economy today, and the topic is Digital Locker Scheme. Well, let's have a look at the questions as well. We are getting in more number of questions. Let's have a look at that question. And it is on Twitter. It is by Ritesh Singh. How to store and how to share while applying for a job or other places, especially the documents, ma'am? Yeah. See, you can store the documents in your personal section. And most of the applications, you know, we are trying that in while they are online. There is a section that you fetch from locker. So okay. You can tick mark that, okay. And the requester agencies can fetch the document from the locker, but they have to be registered on the locker system. Then only okay. They can fetch. Okay. So the link will be provided there on the application itself. The requester agencies can just click and then they can view the document from the original source of truth. Right. Yeah. Or, so, yeah. और अगर मान लीजिए आपने अपलोड किया हुआ है उन डॉक्यूमेंट्स को, तो आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं. हाँ. उसको डाउनलोड करके अटैच करके आप दूसरा फॉर्म जो है बिल्कुल वो भर सकते बिल्कुल हैं. पर्सनल सेक्शन में डॉक्यूमेंट्स हर समय स्कैन करके अपलोडेड आपके पास पड़े हैं. वहाँ पर आपके तीन बटन हैं, आपका शेयर है, ई साइन है, अदर फैसिलिटीज आर देयर. यू जस्ट प्रेस द शेयर बटन एंड देन इट इज आस्किंग यू फॉर द ई मेल एड्रेस टू विच यू वॉन्ट टू शेयर. इट डायरेक्टली गोज टू द पर्सन हुज ई मेल आई डी और एंट्रिंग देयर. तो काफी सुरक्षित और आसान बनाने वाला ये जो प्लेटफॉर्म है उसका इस्तेमाल हम सभी को करना चाहिए. दरअसल एक किस्सा, बहुत बहुत छोटी सी बात है जो शेयर करना चाह रहा था. मैं गुजरात के दौरे में था, राजकोट में. एक छोटा सा बच्चा, केवल 3 महीने का था, उसका नाम था मंत्र सूचक. okay. और उसके माता पिता अकाउंटेंट थे और काफ़ी एक तरह से जागरूक थे. मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट 36 डॉक्यूमेंट्स पहले से बना करके उसको डिजिटाइज करके डिजिटल लॉकर में रख करके और शायद रजिस्टर भी करा दिए. और बहुत सारे लोगों ने उसको उनके ऊपर टेलीविजन स्टोरीज की. 3 साल का केवल बच्चा था. इवन उसने अपनी आंख भी दान कर दी थी. वो डोनेशन का जो सर्टिफिकेट था उसको भी अपलोड किया. अपना अंग दान कर दिया था उसको भी अपलोड किया था. और जितने तरह के आपकी सेविंग सर्टिफिकेट्स थी, आपके बैंक अकाउंट था, आपका PPF अकाउंट था, आपका पोस्ट ऑफिस अकाउंट था, मतलब जितने तरह के आप दस्तावेज सोच सकते हैं, 36 नंबर्स मुझे जो याद आ पा रहा है, उसने अब मतलब एक तरह से हम लोगों के लिए वो रोल मॉडल स्टोरीज डिजिटल लॉकर के हिसाब से साबित हुई थी. बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल इस स्कीम को लेकर के क्या है. आई हैव अ डिजिटल लॉकर बट आई डोंट नो हाउ टू अपलोड DL and RC. तो ये तो मैम बहुत आसान है मेरे ख्याल से. हाँ बिल्कुल, इसके लिए आप रजिस्टर करें लॉकर पे.
और उसमें जाके पार्टनर करके एक वो आता है, या तो आप वहाँ से पुल कर सकते हैं अगर आपका, बिकॉज आधार जब तक सीड नहीं होगा डॉक्यूमेंट में वो पुश नहीं होगा. इश्यूअर्स तभी पुश कर पाएंगे डॉक्यूमेंट को जब वो आधार सीडेड है. इन केस ऑफ नॉन आधार सीडेड डॉक्यूमेंट यू हैव टू पुल दोज डॉक्स. सो इन केस ऑफ RCs एंड ड्राइविंग लाइसेंसेज द सेम केस इज हैपनिंग बिकॉज इन द ऑल डॉक्यूमेंट्स आधार वॉज नॉट देयर. मे बी इन फ्यूचर बिकॉज आधार विल बी देयर बट आधार कैन नॉट बी मेड मैंडेटरी दैट यू नो. सो इन वेयर एवर आधार इज देयर, आधार इज सीडेड, यू कैन द डॉक्यूमेंट्स कैन बी पुश डायरेक्टली बाय द डिपार्टमेंट और अदरवाइज यू कैन पुल after giving the driving license number and your name and 2-3 parameters it is asking you. After that you just say pull the DL or the RC. So it comes to your digital locker. Okay. Yeah. So we'll have other important questions as well. Let's have a look at that question too. At this moment, it is on Twitter, Amol Savant, and the question is there any application for digital locker rather than government.in? See, right now we have only DigiLocker, digilocker.gov.in, which is a Ministry of IT initiative. It is a government locker, but we have already released the digital locker rules to bring the private players to set up repositories, to even set up full-fledged locker system. Actually, locker system and DigiLocker, locker system is a complete ecosystem where you have repositories, you have gateways, you have digital locker service providers, and we have already published the rules for that. So, very recently, we are going to set up a digital locker authority also. Okay. The digital locker authority will bring about all the policies, guidelines, even the empanelment or licensing of these digital locker service providers from the private sector, so that we can meet the huge demand of all the citizens, you know, because the government locker may not be able to meet the demand of all the citizens. Because see, we plan to meet the 5 crore demand of digital lockers, and we plan to give 5 petabyte of storage in 5 years. But still, private sector can set up their lockers, but right now there is no digital locker empaneled by government. Right. There are some private running, but not under the ambit of आवर सिस्टम. मैम अभी तक जो रजिस्टर्ड यूजर है जो आपकी वेबसाइट पे आ रहा है वो 21 लाख के करीब है, 21 लाख 51 हजार के करीब है. तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, कितने लोग रजिस्टर हो सकते हैं इस पे? 5 साल के अंदर हम 5 करोड़ का प्लान है हमारा, बट 1 करोड़ के करीब जो अभी हमने अपने सिस्टम को स्केल अप किया है रिसेंटली, उसमें 1 करोड़ सिटीजन हम मीट कर पाएंगे. अच्छा, और ये जो 34 करोड़ डॉक्यूमेंट्स आपने इशू किए हैं उसकी तो कोई लिमिट नहीं है, एक आदमी कितना भी? वो तो जितने इश्यूअर्स ऑनबोर्ड होते जाएंगे सिस्टम पे उतने आपके डॉक्यूमेंट्स बढ़ते जाएंगे. 16 इश्यूअर्स हैं अभी, और ज्यादातर इश्यूअर्स वैसे ई डिस्ट्रिक्ट से स्टेट से हैं. अभी हमारे सेंटर में CBSE और मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ही आया है, लेकिन बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं हमें संभावना है कि अभी कमिंग 2-3 मंथ्स में ऑनबोर्ड कर जाएंगे. और हमने बहुत सारे SIs को एम्पैनल भी किया हुआ है इसके लिए, जो कि डिपार्टमेंट्स को हेल्प करेंगे इंटीग्रेट करने में. Is there any target date, ma'am, licensing the private digital locker service providers to, you know? See, once the order is out for digital locker authority, an office order has to come, and then we are also coming out with a notification under the IT Act that these documents are at par with the legal documents. So that notification is going to come. It is under scrutiny by Ministry of Law right now. So maybe within 1 month, these orders will be out, and after that, I think the authority will start its work, and maybe within 6 months, we should be able to bring some private players. Right. Yeah. And let's have a look at the other question as well. We have a question on Gmail, if I'm not wrong. Let's have a look at that question. Government has launched this, but it's not in use. Mostly, government and private sector is unknown to this. When it will be in action? मुझे लगता है कि ये इसलिए हमने ये प्रोग्राम किया है कि हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है इस योजना के बारे में, और इस कार्यक्रम के जरिए ज़रूर आप तक कुछ जानकारियां ज़रूर पहुंची होंगी हमारी रिपोर्ट्स के जरिए और इस डिस्कशन के जरिए. और इस कार्यक्रम का भी यही मकसद है कि आप इस योजना के बारे में जानें और इसका फ़ायदा उठाएं. अगर अगला सवाल है हमारे पास तो ले सकते हैं. मैं कुछ कहना चाहती जी मैम, प्लीज़. DigiLocker.gov.in जो वेबसाइट है उस पर सिर्फ आपको लॉगिन और रजिस्टर करने की सुविधा के अलावा बहुत सारी जानकारी वहाँ पर है. आप देखेंगे वहाँ पर बहुत सारे फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस हैं, रिसोर्सेज हैं, PPT हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का कॉपी वहाँ पे डाला है. लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर.
the students and the educated community can make use of it. And you can see the details there, and it is a very interesting and very useful application. And I would urge all the citizens of India, residents of India, to make full use of it and to store your documents and share it. Because in Google Drive, the data was residing in foreign servers, but here it is in domestic data is in Indian cloud. So all of you, I encourage all of you to register and start using it. चलिए तो मुझे लगता है कि एक sense of pride और sense of ownership भी आपकी होनी चाहिए digital locker को लेके. आइए देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है. Digital locker is not available to fetch any data. I am not able to fetch my driving license and class 12 certificate. एक सवाल और है मैम कि अगर मैं आसाम में हूँ और मेरे पास आधार नहीं है तो फिर मैं कैसे डिजिटल लॉकर पाई. मनोज जी का सवाल है अगर आप दोनों को. हाँ जी, ऐसा है, डिजिटल लॉकर को रजिस्टर करने के लिए एक तो हमने मोबाइल नंबर की जो सुविधा दी है, खाली आप मोबाइल नंबर अपना डालिए और आप उसके बाद यूज़र नेम और पासवर्ड सेट कर सकते हैं और आप डिजिटल लॉकर का इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि जब तक आप उसको आधार के साथ लिंक नहीं करेंगे, आप डॉक्यूमेंट्स जो इशूअर जो वो पुश कर रहे हैं उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे. आप सिर्फ पर्सनल अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स को ही यूज़ कर पाएंगे, इसलिए बिकॉज अदरवाइज सिक्योरिटी नहीं है. इसलिए हम आधार के साथ लिंक कर रहे हैं उसको कि क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो आधार से ही पहचानता है. इशूअर्स जो हैं वो आधार से ही पुश कर पाते हैं कि किसका हमारा जो URI है दैट इज़ आधार बेस्ड. सो आपको जब तक आप आधार से लिंक नहीं करेंगे आप उसका पूर्ण लाभ नहीं उठा पाएंगे. ओनली वी कैन अपलोड आवर डॉक्यूमेंट्स पर्सनली. द पर्सनल सेक्शन यू कैन यूज बट नॉट द गवर्नमेंट सेक्शन. राइट. वी हैव अनदर क्वेश्चन एज़ वेल. लेट्स हैव अ लुक एट दैट क्वेश्चन. वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. वी विल टेक फ्यू क्वेश्चंस. लेट्स हैव अ लुक एट दैट क्वेश्चन टू एट दिस मोमेंट. द क्वेश्चन इज ऑन ट्विटर अगेन. E-signing does not work when there are more than 2 pages in the scanned copy uploaded, for example, passport. This is by Deepak Agarwal. Is it a case one? See, I'm not sure, but it should not be the case. Yeah. I will check it and then maybe if it is a problem, we will try to rectify it. Well, in fact, that itself is the answer. In fact, yeah, the problem is... It's very good that we have got the feedback. We have got a support email helpline. So they can, if the users are facing any issues, they can send their queries on the support@digitallocker.gov.in or they can even call me. My number is available on the website of DIT, on the ministry. And if in case of any problems, I keep receiving calls also and I take it up at that time itself. I try to solve it within 2-3 years. That's good. Yeah. बहुत बहुत शुक्रिया मैम. और आपके जरिए सीधे ये हमारे दर्शकों तक पहुँचता है. अगर आपके पास कोई भी सवाल है इस स्कीम से जुड़ा हुआ तो आप मिस चौहान को, मिस उमा चौहान को लिख सकते हैं. आप डायरेक्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी में. बहुत बहुत शुक्रिया मैम इस कार्यक्रम के लिए वक्त निकालने के लिए. फिलहाल थैंक यू सो मच जी. और डिजिटल लॉकर स्कीम पर ये जो इकोनॉमी टुडे हम लेकर के आए उसमें सिर्फ इतना ही. बहुत सारे सवाल आ रहे हैं लेकिन हम कुछ सवालों के जरिए ज़रूर आपके जहन में जो उलझन होगी उसको हम मिटा पाए होंगे. सुरक्षित है, इस्तेमाल कीजिए और एक सेंस ऑफ ओनरशिप और प्राइड जो है वो अपना जो गवर्नमेंट का डिजिटल लॉकर सिस्टम है उससे हम पा सकते हैं. Well, before we wind up, let's have a look at the markets as well. Once again, at this moment, markets, BSE Sensex is down by 32 points, trading around 28,321, pretty much flat, we can say. So that's all in Business Morning. Stay tuned to DD News. Namaskar.